हाय एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग वन ऑफ दी हॉट कॉलेज इन कोलकाता, जो इंजीनियरिंग के लिए फेमस है कोलकाता में, टेक्नो इंडिया सॉल्ट लेक कॉलेज के ऊपर कॉलेज रिव्यू करेंगे। ये देखेंगे कॉलेज का एकदम डिटेल में ब्रेकडाउन करेंगे, तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना। विल सी डिफरेंट कोर्सेज दिस कॉलेज हैज टू ऑफर। विल ऑल्सो सी कि अगर इस कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा है तो वो कितना परसेंट है, और उसमें एडमिशन कैसे होता है, और जेई मेंस की कट ऑफ क्या जाती है, विबजी की कट ऑफ क्या जाती है। टेक्नो इंडिया सॉल्ट लेक कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज ये कॉलेज आपको ऑफर करके देता है, और अगर इसमें प्लेसमेंट्स होती है तो प्लेसमेंट्स की स्टैट्स क्या है, और व्हाट आर द डिफरेंट कंपनीज दैट विजिट दिस कॉलेज। सो मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड, देन ओनली गेट टू दी जजमेंट दैट ये कॉलेज कैसा है, ठीक है, अच्छा है, बुरा है, और इज इट वर्थ परसुइंग, बीटेक यहाँ से पढ़ना सही रहेगा या नहीं। सो लेट गेट स्ट्रेट इन टू द वीडियो, लेट्स डाइव इन टू दिस कॉलेज रिव्यू। सो यार, ये जो टेक्नो इंडिया है, ये एस्टेब्लिश हुआ था 2001 में। इट इज लोकेटेड इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल, सॉल्ट लेक वाली इनकी जो ये कैंपस है वो आपको दिख रही है। इट ऑफर्स 13 बीटेक कोर्सेज, एंड द टोटल नंबर ऑफ सीट्स द बीटेक कोर्स इन द बीटेक कोर्स आर 930 सीट्स, एंड इट्स कैंपस इज लोकेटेड एट सॉल्ट लेक कोलकाता। सो इनका ये ओवरव्यू था कि कॉलेज में कब स्टैब्लिश हुआ है, तो 2001 में, और 900 टोटल 30 सीट है। हम लोग सब देखेंगे डिटेल में कि कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा है या नहीं है, और जेई मेन्स की कट ऑफ क्या जाती है, विबजी की कट ऑफ क्या जाती है, और इस कॉलेज की टोटल फीस कितनी है, और अगर इस कॉलेज का कैंपस है तो कैंपस कैसा है, क्या फुली रेसिडेंशियल कैंपस है, बोलने का मतलब ये है कि कैंपस में हॉस्टल्स अवेलेबल है कि नहीं है। सो द कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज द कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर गाइस। सो ये जो आपको दिख रही है ये इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंप्यूटर लैब, एंड दिस इज फ्रॉम द आउटसाइड टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी सॉल्ट लेक कैंपस। अब जो कॉलेज में इनसाइड स्टूडेंट है तो उनकी रिव्यू मैंने ली, और वो क्या लिखते हैं कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे, तो लेट अस रीड। द फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अस इंक्लूड केमिस्ट्री लैब, मैकेनिकल लैब एंड फिजिक्स लैब। आर कैंपस इज अ फुल्ली वाईफाई कैंपस, बट द स्पीड ऑफ वाईफाई इज लेस। द कैंपस इज स्मॉल बट नॉट टू क्राउडेड, एंड इट इज अ रैगिंग फ्री कैंपस, हाउएवर द फैकल्टी इज नॉट सो गुड देयर। तो ये जो कॉलेज में इनसाइड स्टूडेंट है जो पढ़ रहे हैं वो बता रहे हैं ये सब चीज। फ्यू फैकल्टी मेंबर्स आर गुड एट द सब्जेक्ट एंड द रेस्ट आर जस्ट मैनेजिंग समहाउ टू कम्प्लीट द कोर्स। तो देखो यार, ये एकदम ऑनेस्ट रिव्यू है, और जो आपको दिख रहा है वो इनसाइड स्टूडेंट से आ रहा है, तो ये ऑनेस्ट रिव्यू, इसमें कुछ मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, तो दिस इज फ्रॉम द इनसाइड स्टूडेंट, सो यू कैन ट्रस्ट द सोर्स। नो वाई फाई, लैब्स आर गुड बट इक्विपमेंट्स इज समटाइम्स डैमेज और आउट ऑफ सर्विस, द लाइब्रेरी इज टू शॉर्ट, कैंटीन स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर ऑल मैनेज्ड इन अ वेरी स्मॉल एरिया। तो बोलने का, जैसे सॉल्ट लेक में कैंपस बना रखा है ना, तो सॉल्ट लेक इज हाई प्रोफाइल एरिया इन कोलकाता, तो कैंपस तो सॉल्ट लेक में ज्यादा बड़ा होगा नहीं ना, दैट इज द कॉमन सेंस। सॉल्ट लेक इज अ वेरी हाई प्रोफाइल एरिया ऑफ कोलकाता, तो शॉर्ट एंड स्वीट सा कैंपस बना रखा है इन्होंने अपना। इंफ्रास्ट्रक्चर इज जस्ट एवरेज, द लैब्स आर गुड बट दे आर स्मॉल, एंड सम लैब्स आर आउटडेटेड टू, एंड देर इज नो हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल एट आर कॉलेज। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इस कॉलेज में जो हॉस्टल फैसिलिटीज है वो कॉलेज प्रोवाइड करके नहीं देता है, बट कॉलेज के आसपास का जो एरिया है वहां पे आपको पीजीज मिल जाएंगे रहने के लिए, तो दैट वोंट बी एन इशू। बट हाँ, ये हो सकता है कि आपका थोड़ा एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, क्योंकि सॉल्ट लेक में अगर आप पीजी ले रहे हो एक रूम का भी, तो वो बढ़ जाता है, ठीक है, उसका जो एक्सपेंसेस है वो काफी आ सकता है, लाइक 10,000 पर मंथ या 8,000 पर मंथ, ऐसा कुछ आ सकता है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि कहाँ पे आपको पीजी लेना, अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो तो। नो हॉस्टल फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन दिस कॉलेज, एंड स्टूडेंट्स लिव इन पीजीज और रेंटेड फ्लैट नियर द कॉलेज, विच आर अप्रोक्सीमेटली 2 to 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कैंपस। तो पीजी आपका 4 किलोमीटर दूर भी हो सकता है, अगर आपके पास बजट नहीं होता तो दैट माइट बी एन इशू। अब आगे देखते हैं यार कि आगे कोर्सेज अगर प्रोवाइड करता है कॉलेज, और हर कोर्स की कितनी सीट्स है, और वीडियो के आखिरी में हम लोग ये भी देखेंगे कि प्लेसमेंट्स कैसी, एकदम इन डेप्थ ब्रेकडाउन करेंगे प्लेसमेंट की हर ब्रांच की, और कौन कौन सी टॉप कंपनीज इस कॉलेज में आती है, और उसके बाद हम लोग जाएंगे देखेंगे इनकी वेबसाइट पे कि एडमिशन कैसे होता है, और व्हाट आर दी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट।
तो देर इज ओनली वन रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड यार, कि अगर आपने वीडियो को ऑन कर दिया तो अब आखिरी तक देख लो, उसके बाद ही बंद करना, ठीक है? डू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड, देन कम टू द जजमेंट कि ये कॉलेज कैसा है, ठीक है? ऐसी इन डेप्थ कॉलेज रिव्यू टेक्नो इंडिया सॉल्ट लेक के ऊपर ना आपको यूट्यूब पे मिलेगी ना गूगल पे मिलेगी। बहुत सारी सोर्सेस से इंफॉर्मेशन सब क्लब करके मैंने एक पीपीटी बनाया, उसके बाद एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ कॉलेज रिव्यू के ऊपर। तो अगर आप यूट्यूब में भी खोलोगे तो ऊपर ऊपर से सब बता दिया जाता है, हॉस्टल्स है कि नहीं, हॉस्टल्स की कितनी चार्जेस है, ये सब कुछ नहीं बताया जाएगा आपको, बस बेसिक सा कोर्स बता दिया जाएगा ये और फीस क्या है। तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर दैट यू आर लविंग दिस कंटेंट एंड शेयर दिस कंटेंट टू द नीडी पर्सन जो इस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, ताकि उनको सब नॉलेज पहले से इंफॉर्मेशन पता हो। तो कोर्सेज ये कॉलेज क्या क्या प्रोवाइड करता है, बेसिक सा कोर्स है लाइक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, अगर एक इंजीनियरिंग कॉलेज है तो उसमें ये कोर्स तो होना है ही है, बट कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में भी इनकी काफी सारी वैरायटीज है। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 120 सीट है, उसके बाद एक और ब्रांच है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उसमें भी 120 सीट्स है, फिर एक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डेटा साइंस करके उसमें 60 सीट है, ईसीई में 120 सीट है, इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब में इलेक्ट्रिकल में 120 है, बाकी सिविल और मैकेनिकल में 60-60 सीट्स है, और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 30 सीट्स है। तो कंप्यूटर साइंस की वैरायटी अवेलेबल है, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस, दीज आर दी वैरायटीज दे हैव इन द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। और उसके बाद ये फूड टेक्नोलॉजी भी है, उसमें 30 सीट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 150 सीट है, और कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम में 60 सीट है। तो दी हॉट कोर्स ऑन द कैंपस इज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इसकी सीट्स काफी जल्दी फुल हो जाती हैं, और कॉलेज में अगर मैनेजमेंट कोटा से आप एडमिशन लेने जा रहे हो, लाइक यू हैव 15 LPA और 10 to 15 LPA टू स्पेयर ऑन योर बीटेक डिग्री, देन द कोर्सेज द हॉट कोर्स दैट स्टूडेंट लुक फॉर इज जनरली कंप्यूटर साइंस। तो अगर आप मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेने जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप जल्दी जाओ और कंप्यूटर साइंस की, क्योंकि सीट्स बहुत जल्दी फुल हो जाती है मैनेजमेंट कोटा से। मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप अपनी जेई मेन्स से एडमिशन लोगे या विपजी से एडमिशन लोगे तो उसकी कट ऑफ कितनी जाती है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, आगे वाली स्लाइड्स में हम लोग वो भी देखेंगे, और विल ऑल्सो सी की प्लेसमेंट्स क्या है, ये जो अगर आप मैकेनिकल भी लेते हो यहाँ जाके तो मैकेनिकल की भी प्लेसमेंट क्या है सब देखेंगे डिटेल में। तो फीस यार, अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हो तो जो एकेडमिक फीस है इस कॉलेज की दैट इज ओनली 3.7 लैक्स, 4 साल की जो बीटेक डिग्री की फीस है वो 3.7 लैक्स है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एडमिशन लेने के लिए, 45% आपका आना चाहिए क्लास 12th बोर्ड्स एग्जाम, नो मैटर विच एवर बोर्ड यू गिव, वेस्ट बंगाल बोर्ड और झारखंड बिहार बिहार बोर्ड, वॉट एवर बोर्ड यू आर गिविंग, यू मस्ट हैव 45% इन योर बोर्ड्स एग्जाम टू बी एलिजिबल टू गेट ए सीट इन दिस कॉलेज। अदर देन दैट इफ यू आर क्लियरिंग द कट ऑफ फॉर विपजी एंड जेई मेन्स देन ओनली यू स्टैंड अ चांस टू गेट एडमिशन इन दिस कॉलेज। तो मैं ये भी दिखाऊंगा कि विपजी और जेई मेन्स की कट ऑफ इस कॉलेज की क्या जाती है। अब देखो ये जेई मेन्स की कट ऑफ है ऑल इंडिया के लिए, ठीक है, और वेस्ट बंगाल कैंडिडेट के लिए विपजी की कट ऑफ जाती है, विपजी WBJEE जो है, विपजी मैं बोल रहा हूँ उसको, WBJEE जो है वो उसकी कट ऑफ क्या जाती है ये देखो। तो जेई मेन्स की जो कट ऑफ है वो देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, दीज आर द नंबर्स यार 2023 के लिए। कंप्यूटर साइंस और बिजनेस सिस्टम में ऑल ओवर इंडिया की जो जेई मेन्स की कट ऑफ जाती है वो 1,08,000 जाती है, और कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की 4,000 पे बंद हो जाती है ऑल ओवर इंडिया में, ईसी की 1,09,000 जाती है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो कट ऑफ है वो 53,000 पे बंद हो जाती है इस कॉलेज में। तो कट ऑफ आप जैसा सोच रहे थे कि बहुत नीचे जाएगा टेक्नो इंडिया का, उतना नीचे जाता नहीं है ऑल ओवर इंडिया का। लाइक इफ यू आर टारगेटिंग कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग तो ये यार 4,000 पे बंद हो जा रहा है, इतने में तो आई थिंक यू विल गेट NITs में कहीं कहीं आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगी 4,000 पे, बट ये कॉलेज की कट ऑफ उतना नीचे गई नहीं है। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कट ऑफ लास्ट राउंड की मैं आपको बता रहा हूँ वो है 7,424 ऑल ओवर इंडिया की, ठीक है। मैकेनिकल की देख लो 52,000, 5,05,29,000 पे मैकेनिकल की बंद होती है ऑल ओवर इंडिया की,
और सिविल की जो है कट ऑफ तो 6,74,000 पे बंद होती है। तो हॉट कोर्स मैं आपको मैंने बता दिया था पहले कि जो हॉट कोर्स है कैंपस में वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, और इसकी कट ऑफ देख लो 4,000 पे बंद हो जाती है ऑल ओवर इंडिया। तो आप अगर मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेने जा रहे हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, मेक श्योर यू डू ग्रैब द सीट एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज जो आपके कंपटीटर रहेंगे वो सब AIR जो लेके आएंगे वो 30,000 20,000 से नीचे वाले ही रहेंगे, ठीक है। और इफ यू हैव 10 to 15 LPA टू स्पेयर ऑन योर बीटेक डिग्री, मेक श्योर दैट यू ग्रैब अ सीट इन थ्रू मैनेजमेंट कोटा एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, अगर आपने मन बना रखा है तो। अब WBJEE की जो कट ऑफ है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो, कंप्यूटर साइंस की 2021, 2022 और 2023 की जो कट ऑफ है वो स्क्रीन के ऊपर, दीज आर द नंबर्स एंड द डेटा गाइज, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट और आप देख सकते हो अपने लिए भी। WBJEE जो है, WBJEE मैं बोलूंगा इसको यार, सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, WBJEE बोलूंगा, तो इसकी जो कट ऑफ है ये उतना पीछे नहीं जाती है। लाइक 10,000 अगर आपकी विबजी में आए तो यू स्टैंड अ चांस टू गेट कंप्यूटर साइंस इन दिस कॉलेज, ठीक है। अब प्लेसमेंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, कि भैया इस कॉलेज की प्लेसमेंट्स बता दो, प्लेसमेंट्स कैसी है। मैं हमने तो कट ऑफ देख लिया ऑल ओवर इंडिया का जो कट ऑफ है कंप्यूटर साइंस का, भैया वो तो 4,000 है, वो तो NIT के कंपेरेबल है। अगर आप NIT से कंपेयर करोगे तो कुछ कुछ NIT में 4,000 में तो मुझे कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी, तो मैं इस कॉलेज में ही एडमिशन क्यों लूँ, कोलकाता में सॉल्ट लेक वाला जो कैंपस इनका उसमें ही क्यों लूँ। तो देखो ये प्लेसमेंट स्टैट्स है इनकी, द कंपनीज दैट डू विजिट द कैंपस, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे था, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, डेलॉयट, गूगल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, TCS, IBM, तो पेटीएम, कैपगिमिनी, एसेंचर, दीज आर द कंपनीज दैट विजिट ऑन द कैंपस। तो सारी बिग नेम्स कंप्यूटर की तो यहाँ आपको दिख रही है, ठीक है, दैट इज वाई 4,000 ऑल ओवर इंडिया इनकी कट ऑफ जाती है। अब 2023-24 बैच का जो करेंट सैलरी है वो आप यहाँ देख सकते हो, तो आपको उतना पसंद ये डेटा आएगा नहीं अगर आप देखोगे तो। लुक 2020 में जो इनकी प्लेसमेंट्स थी, हाईएस्ट गई थी 5.8 LPA और जो एवरेज थी वो 4 LPA थी, बट द थिंग इज इन्होंने वेबसाइट पे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, डेलॉयट, गूगल सब शो कर रखा है, तो मेक श्योर कि आप प्लेसमेंट स्टैट्स अच्छे से देख लो। ये प्लेसमेंट स्टैट्स मैंने 3-4 सोर्सेस से निकाली है तब जाके आपको इस स्लाइड पे दिखा रहा हूँ, और दिस इज फ्रॉम द इनसाइड स्टूडेंट, इनसाइड स्टूडेंट से ये आ रहा है, मैंने लिंक्डइन पे जाके पर्सनली मैसेज किया है फाइनल ईयर के स्टूडेंट को, तब जाके ये प्लेसमेंट का जो उन्होंने रिव्यू लिख के भेजा है वो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। देखो क्या बोला है इनसाइड स्टूडेंट, अराउंड 30 to 40% ऑफ द स्टूडेंट्स गेट प्लेस्ड वेल, द कॉलेज क्लेम्स दैट द हाईएस्ट एवरेज पैकेज ऑफर्ड इन आर कॉलेज इज 1.1 करोड़, बट इन रियलिटी द एवरेज ऑफ ऑल पैकेज इज ओनली 3 लैक्स एंड दैट टू इज फ्रॉम एसेंचर, 5 to 10% ऑफ पीपल गेट इंटर्नशिप फ्रॉम माई कोर्स एट लोकल कंपनीज, ठीक है। तो ये इनसाइड स्टूडेंट का रिव्यू है और ये प्लेसमेंट स्टैट्स है। अब विल गो टू देयर ऑफिशियल वेबसाइट और वहां पे देखेंगे क्या क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। तो मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी वेरी एंड, तो चलो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं यार। और आप अगर एडमिशन लेने जा रहे हो तो उससे पहले डू मेक श्योर कि आप कोरा पे जाके कुछ ऐसा कुछ सर्च कर लो, इज इट सेफ टू टेक एडमिशन इन टेक्नो इंडिया सॉल्ट लेक, तो आपको आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। द पॉइंट इज आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव यू एन ऑनेस्ट कॉलेज रिव्यू, मैं किसी कॉलेज को प्रोमोट नहीं कर रहा, किसी कॉलेज को डिमोट नहीं कर रहा, आई एम ओनली मेकिंग एन ऑनेस्ट कॉलेज रिव्यू ऑन एवरी कॉलेज, और ऐसा ऑनेस्टी आपको यूट्यूब पे मिलेगा नहीं यार। वहां पे जो कॉलेज रिव्यू बनाते हैं यूट्यूबर्स मोस्टली मोस्टली पेड रहता है, तो डू मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग दिस वीडियो फॉर दी ऑनेस्टी पार्ट, ठीक है। आप कोरा पे जाके ये सब सर्च मार सकते हो, इज इट सेफ टू टेक डायरेक्ट एडमिशन इन टेक्नो इंडिया सॉल्ट लेक। अब चलते हैं इनकी वेबसाइट पे और देखते हैं। देखो जब आप वेबसाइट पे जाओगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, उसमें फोन टोल फ्री नंबर ये दिया हुआ है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो उस पर एक कॉल मारो और आपका
दे विल क्लेरिफाई कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे एडमिशन होता है, दिस इज द जीमेल आईडी दे हैव प्रोवाइडेड, और ये सब एकेडमिक्स, रिसर्च फैसिलिटीज, कैंपस लाइफ, एलुमनी प्लेसमेंट, ये सब इंटरफेस दिया हुआ है। अब चलते हैं प्लेसमेंट्स में, देखते हैं इन्होंने क्या डेटा प्रोवाइड कर रखा है। तो जब आप प्लेसमेंट्स में क्लिक करोगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, द इंटरफेस दैट विल ओपन इज कि बस ये आपको दिखेगा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, डेलॉयट, गूगल, ये कंपनीज के नाम दिखेंगे और स्टैट्स कहीं भी नहीं दिखेगा ऑफिशियल। जो पीडीएफ होता है जो हर कॉलेज रिलीज करता है, वो प्लेसमेंट सेल्स तो है इनके पास, पर वो पीडीएफ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। दिस इज ओनली व्हाट यू विल गेट। अब जब फैसिलिटीज पे क्लिक करोगे तो फैसिलिटीज में लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज, स्मार्ट क्लास और कुछ कुछ और इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। तो लाइब्रेरी पे जब आप क्लिक करोगे तो यार लाइब्रेरी की एक भी फोटो आपको नहीं दिखेगी, बट ये कुछ दिखेगा इंग्लिश में लिखा हुआ, टेक्नो इंडिया सॉल्ट लेक प्रोवाइड स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च फैसिलिटीज ओइंग टू विच द इंस्टीट्यूट हैड क्रिएटेड अ लॉट ऑफ रिप्यूट ऑफ इट्स ओन इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स एंड एजुकेशन। ऐसा कुछ दिखेगा इंग्लिश में लिखा हुआ, बट फोटो लाइब्रेरी की नहीं दिखेगी, कुछ ऐसा इंटरफेस है। तो वेबसाइट जो है उतना यूजफुल इंफॉर्मेशन देता नहीं है, दैट इज वाई मुझे 4-5 दिन लगा इस कॉलेज के ऊपर ऊपर एक स्लाइड बनाने में। तो मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग दिस वीडियो फॉर माई हार्ड वर्क ऑल्सो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच क्वालिटी कंटेंट, क्योंकि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे तो कुछ खास है नहीं। आप जब एडमिशन लेने जाओगे और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट खोलोगे उससे पहले तो आपको कुछ खास मिलेगा नहीं, इसीलिए यू विल हैव टू कम टू माई वीडियो फॉर द इन डेप्थ इंफॉर्मेशन ऑफ दिस कॉलेज। एंड गाइज वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर फाइंडिंग द कॉलेज रिव्यू यूजफुल, डू लाइक दिस वीडियो फॉर द ऑनेस्टी पार्ट। थैंक यू गाइज इफ यू वॉच टिल द वेरी एंड, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।